काय सांगाल पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी आपण सर्व मुस्लिम बांधवांकडून प्रार्थना करण्यात आली त्याबद्दल? बाबा अपने श्री पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है जो अभी बुधवार से अपने हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव आए थे। शिंदे साहब पहले जिस दिन से कोरोना का ये भाई बीमारी चालू हुई है उसके पहले दिन से साहब फील्ड पे काम कर रहे थे साहब। मतलब अभी हर चीज़ की मदद हमें शिंदे साहब के जरिए से मिली। अब हमें मिले मतलब उसमें हर जो लेबर था, जो दिन दहाड़ी का काम करने वाला लेबर था, कोई बाहर के स्टेट से आए हुए थे मजदूर थे, इनके जाने का बंदोबस्त, इनके खाने पीने का बंदोबस्त, इनके रहने का बंदोबस्त, ये अपने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने किया। फिर इस बीमारी के दरमियान कहीं कहीं इंजेक्शन ब्लैक में मिलना चालू हो गए थे हमें कुछ हमारे यहाँ के नागरिक लोग, रहवासी लोग को हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे थे। शिंदे साहब के जरिए से हमने उनको बेड उपलब्ध करा के दिया। और फिर रही बात इंजेक्शन की, जो ब्लैक हो रही थी, जो इंजेक्शन 5,000-10,000 के थे वो हमको 70-70, 1-1 लाख रुपए में मिल रहे थे, उसमें हमने शिंदे साहब ने हर आदमी की मदद की है, उन्होंने हमें फ्री में वो इंजेक्शन उपलब्ध करा के दिए। और फिर रही बात खाने पीने की, हर तरीके से शिंदे साहब ने हर इसके जो अपने रहवासी है ठाणे के क्या महाराष्ट्र से भी फ़ोन उनको आते थे, वो हर एक बंदे के लिए साफ खड़े होते थे। आज जब हमें पता चला कि एकनाथ शिंदे साहब कोरोना पॉजिटिव होकर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हमने हमारे समाज में बैठ के हमारे एरिया के जो थे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग थे, इनके साथ बैठ के राय मशवरा किए हमने कि आज शिंदे साहब अपने लिए भाग के आते थे, आज हमारे अपने को ऐसी ज़रूरत है कि आज अपन अपने में बैठ के समुदाय में हमारे बैठ के उसमें हम बैठ के उनके लिए दुआ की जाए। इसके लिए आज हमने दुआ का इधर आयोजन किया गया था मुलुन वाले बाबा की खानकाह में।